सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सब फॉर सब के बारे में और उसके रियलिटी के बारे में। तो दोस्तों, आपको सब फॉर सब करने से कुछ प्रॉफिट होता है या फिर आपको कुछ लॉस होता है, इसी टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सब फॉर सब होता क्या है। तो दोस्तों, सब फॉर सब में कुछ ऐसा होता है कि आप किसी अदर यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बदले में वह आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। इससे होता है कि आपके दोनों चैनल का जो सब्सक्राइबर होता है वह इंक्रीज होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आप हद से ज्यादा 1000 सब्सक्राइबर, 2000 या फिर 3000 सब्सक्राइबर, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आप इतना सब्सक्राइब अगर यदि करते हो आपके चैनल पर, तो दोस्तों जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो आपके वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने उसको बोल के अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाया है, क्योंकि आपके वीडियो को देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए आपके चैनल पर वॉच टाइम गेन नहीं होगा, सिर्फ आपका सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वॉच टाइम गेन करने के लिए पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो कि अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर होते हुए भी आपको उतना अच्छा तरह से वॉच टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसका रियलिटी, अगर आपने ऐसा किया और अगर YouTube को ऐसा पता चल जाता कि आपने सब फॉर सब किया या फिर किसी अदर को बोल के अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाया, तो दोस्तों जो YouTube होगा वो आपके चैनल को टर्मिनेट भी कर सकता है, अपने चैनल को इलीगल तरीके से ग्रो कराने में। तो दोस्तों, इस तरह से आप मत कीजिए, क्योंकि आपके चैनल पर खतरा हो सकता है और आपका चैनल YouTube टर्मिनेट भी कर सकता है। और दोस्तों, अगर आप किसी को बोल के अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाते हो सकता है कि वह बाद में आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों, आप जानते हो कि अनसब्सक्राइब करने से आपके चैनल का रीच डाउन हो जाता है, क्योंकि आपके यूट्यूब को चेक करते रहता है कि आपका चैनल कैसा चल रहा है। वहां पर अगर आपका सब्सक्राइबर पूरा तरह से कम हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो यूट्यूब आपके चैनल के रीच को डाउन कर देता है। तो आपको कभी भी सब फॉर सब के भरोसे में नहीं आना। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो व्यूवर्स होते हैं वह न्यू कंटेंट को अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसको अच्छा कंटेंट दे रहा है, कुछ अलग करके उसको दिखा रहा है, तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। इस तरह से आप अगर अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि सब फॉर सब के, तो आपका चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। और दोस्तों, मैं आपके चैनल को ग्रो कराने के लिए 4 बातें बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है आपका कंटेंट। इसमें दूसरा नंबर पे आता है कि आप जो वीडियो बनाते हो उसमें आपको थंबनेल अच्छे से लगाना आना चाहिए और आपको थंबनेल अच्छे से बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप YouTube पे वीडियो डालते हो तो YouTube जो होता है आपके चैनल को कुछ इम्प्रेशन भेजता है। सबसे पहले अगर आपके चैनल पर आपने तुरंत वीडियो अपलोड किया तो YouTube आपके चैनल आपके उस वीडियो का 10-15 इस तरह से इम्प्रेशन भेजता है। तो अगर आपने अपने थंबनेल को अच्छा से बनाया है तो जो 10-15 लोग के पास इम्प्रेशन जाएगा वो आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे, और आपके वीडियो अगर उनको अच्छा लगता है, अगर आपका कंटेंट उनको अच्छा लगता है, तो आपके वीडियो को वो फुल वॉच करेंगे और हो सकता है कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस तरह से आपके चैनल को सब्सक्राइब इंक्रीज किया जाता है, ना कि सब फॉर सब करके। तो दोस्तों, इसमें दूसरा नंबर आता है कि आपको अपने चैनल पर कीवर्ड अच्छे से लगाना आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर सर्च करके कीवर्ड लगाते हो, कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड लगाते हो या फिर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाते हो, तो आपका चैनल वहां पर ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा, क्योंकि जो वायरल टॉपिक होते हैं वह यूट्यूब पर अधिक चलते हैं और जो व्यूवर्स होते हैं वह आपके वीडियोस को बहुत बार वॉच करेंगे, जिससे आपका चैनल वहां पर ग्रो हो जाएगा। और दोस्तों, लास्ट में आता है कि आपको अपने चैनल पर सोशल मीडिया पर अपने चैनल के लिंक को डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे अगर आप अपने चैनल पर कोई फेसबुक का पेज है वहां पर आपने वहां पे अपने चैनल को क्रिएट किया, या फिर अगर कोई आपके रिलेटिव्स है वहां पर अपने चैनल को मतलब लिंक को डालते हो, तो अगर वह आपके चैनल पर विजिट करते हैं और आप उनको बोल के इस तरह सब्सक्राइब करवाते हो, पर दोस्तों ये आपके सब फॉर सब नहीं होता। इस तरह से आप 40-50 सब्सक्राइबर इस तरह से करते हो और आपके वीडियोस अगर उनको अच्छा लगता है तो आपके वीडियोस का वह रेगुलर वॉच करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने चैनल को लिंक के सोशल मीडिया तक पहुंचाते हो और अगर वहां से क्लिक करके आपके वीडियोस को वह देखते हैं, तो होता है कि अगर आपके वीडियोस उनको पसंद आते हैं तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ना कि वह सब फॉर सब करवाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है, अगर आपने अपने चैनल पर कीवर्ड अच्छे से लगाया होता है और अगर आप अपने चैनल को थोड़ा सा शेयर करते हो, तो इस तरह से आपका चैनल जो होगा तुरंत ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।